सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। क्षेत्र के परसोडी पंचायत मुखिया अनिल पासवान झारखंड सरकार के द्वारा राज्य के सभी प्रखंडों में ठंड का प्रकोप के देखते हुए प्रखंड में कंबल जन प्रतिनिधियों तक पहुंचाने की मांग की है। बताते चले कि केतार प्रखंड के सातों पंचायत में असहाय गरीब विकलांग ऐसे तबके के लोगों को कंबल का वितरण किया गया। वहीं परसोडी पंचायत मुखिया अनिल पासवान अपने पंचायत में 100 कंबल सभी गाँव के लोगों को सूचना देकर पंचायत भवन परसोडी में मुखिया अनिल पासवान जिला परिषद ज्वाला प्रसाद कंबल देकर लोगों को कहा कि इस ठंड से बचने के लिए सरकार ने केतार प्रखंड में 1000 कंबल आया है जो सभी पंचायतों में मुखिया के द्वारा गरीबों तक पहुंचाया जा रहा है। परसोडी पंचायत में 14 वार्ड सभी वार्ड सदस्य परसोडी पंचायत भवन पहुंच कंबल का वितरण किया। उपस्थित वार्ड सदस्य सत्यन गुप्ता, राम वृक्ष रजवार, धीरेन्द्र राम, वीरेंद्र प्रसाद, वार्ड सदस्य सुनीता देवी सहित कई लोग इस दौरान मौजूद थे। और आज सरकार के निर्देशानुसार कमल जो प्राप्त हुआ है, आज हम लोग पूरे वार्ड सदस्य और हमारे बीच माननीय केतार प्रखंड के जिला पार्षद सदस्य ज्वाला प्रसाद गुप्ता जी के नेतृत्व में हम सभी लोग गरीब विकलांग विधवा असहाय के बीच आज 100 कमल का वितरण कर रहे हैं। जी मुखिया जी, आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं? वार्ड 14 हैं। पूरा वार्ड के सदस्य यहाँ आपके पास उपस्थित हैं? जी, और उपस्थित हैं और नहीं भी हैं, वह लोग आ रहे हैं। कितने कंबल आपको मिला था? 100 कंबल मुझे मिला है। आप लोग पूरा वितरण कर दिए? जी जी सर, यहाँ कंबल वितरण किया जा रहा है तो... आज देखिए परसोडी पंचायत के सभी वार्ड सदस्यों के माध्यम से सूची उपलब्ध करा कर यहाँ के मुखिया अनिल कुमार पासवान जी और वार्ड सदस्य और हम लोग सभी संयुक्त मिलकर करीब 100 गरीब असहाय विकलांग विधवा बुजुर्ग लोगों को बीच में हम लोग कंबल देकर सम्मानित किए। यह राज्य सरकार के द्वारा यह कंबल उपलब्ध कराया गया था।